ऑडियो जंगल। नमस्कार, दृष्टि हरियाणा में आपका स्वागत है। लॉकडाउन के चलते हरियाणा राज्य के सोनीपत जिले के उपमंडल खरखोदा के गांव पीपली स्थित राजकीय महाविद्यालय को शेल्टर होम के रूप में तब्दील किया गया। इस शेल्टर होम में करीबन 40 मजदूर जिनमें एक महिला व एक बच्चा शामिल है। खरखोदा के कई समाजसेवी व स्वयंसेवी संस्थाओं ने इनके नाश्ते व खाने का प्रबंध किया। यहाँ पर समाजसेवी अमरजीत नंबरदार गोपालपुर, शमशेर दहिया सेरी, मास्टर सुरेंद्र लाल बरोना व उनके अन्य साथियों ने सभी को सुबह चाय व ब्रेड बांटे। इस मौके पर खरखोदा तहसीलदार अनिल कुमार व नायब तहसीलदार प्रेम प्रकाश, अनिल पटवारी आदि उपस्थित थे। इस शेल्टर होम में सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य सभी सावधानियों का पूरा ख्याल रखा गया है। आइए जानते हैं शेल्टर होम में मौजूद मजदूरों से सरकार उनका कितना ख्याल रख रही है। क्या नाम है आपका? वसुदेव। कहाँ के रहने वाले हो? बरेली। बरेली के? आपका सरकार पूरा ख्याल रख रही है यहाँ पे? कितने दिन हुए आपको? कल से आए हो। सरकार पूरा ख्याल रख रही है खाने पीने का सब? हाँ, क्या नाम है? मोनू। मोनू, कहाँ के रहने वाले हो? बरेली। बरेली का? कितने दिन हुए आए यहाँ पे? यहाँ पे कितना दिन हुआ आए यहाँ पे? हाँ, कल आए हो। हाँ। सरकार आपका पूरा ख्याल रख रही है चाय पानी का खाने का? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? नहीं। हाँ भैया, क्या नाम है? राजू। कहाँ के रहने वाले हो? गोरखपुर पीलीभीत के। पीलीभीत कितने दिन हुए यहाँ पे? दो दो करके निकाले, रख ले वापस, दो दो करके निकाल खाओ, ऐसे क्या करेगा? दो जने। कितने दिन हुए आए? 15-20 दिन हुए। 15-20 दिन यहाँ पे आए हुए? यहाँ तो कल आए। कल आए हैं। सरकार आपका पूरा ख्याल रख रही है, सारी सुविधाएं यहाँ पे, खाने का मिल रहा है आपको? खाने का टाइम से मिले तब बढ़िया है खाने का। अभी आज खरखोदा उपमंडल के गांव पीपली के समाज सेवी धम्मल फौजी ने सभी के हाथ सैनिटाइज कराकर मास्क बांटे। धम्मल फौजी ने सभी को सोशल डिस्टेंसिंग व साफ सफाई बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। पहले हाथ धो भाई, फिर मास्क लो। गैप लगा के दूर खड़े हो। यहाँ रखेंगे इसको।
खरखोदा मार्केट से भी कुछ समाजसेवी खाना लेकर शेल्टर होम में पहुंचे। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने डॉक्टर नितिन फलसवाल के नेतृत्व में शेल्टर होम का दौरा किया। ये जानते हैं तहसीलदार अनिल कुमार जी का क्या कहना है। खाने पीने का तो ये रात को आए हैं, तो हमने समाज सेवी संस्थाओं की मदद से इनको आज खाना खिलाया है और ये सारे अभी हमारे साथ लगे हुए हैं कि हम आगे भी इनको खाना खिलाते रहेंगे। तो अगर ये खिला जब तक खिला रहे हैं तब तक उसके बाद हमारे पास सरकार के भी साधन है, मतलब उनके थ्रू खाना खिलाया जाए। तो सर क्या लगता है इनमें से कोई संदिग्ध हो सकता है कोरोना? हमारे डॉक्टरों की टीम एक बार विजिट कर चुकी है और अभी तक कुछ ऐसा मिला नहीं है। उसके बाद देखते हैं, एक दो दिन में अगर कुछ पता चलता है तो बाकी हमने पूरा इंतजाम कर रखा है इनको दूर रखने के लिए और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए तो बाकायदा चर्चा।